हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेट ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या है? ऑब्वियसली उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ आपको टाइम और डेट के साथ मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन करने में काम आएगा। ठीक है, तो डेट ऑब्जेक्ट बनाया कैसे जाता है? डेट ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है, किसके थ्रू? न्यू कीवर्ड के थ्रू आप डेट ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे मोस्टली ऑब्जेक्ट आप बनाते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, वेरिएबल का कुछ भी नाम दे दो, उसके बाद यहाँ पे लिखना है न्यू कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे लिखना है डेट। डेट के आगे जो डी है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना है, ये बन जाएगा आपका डेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम डायरेक्टली जाते हैं वीएस कोड में। तो वीएस कोड में यहाँ पे देखो, इधर डेट नाम का फोल्डर बना के रख दिया है। अब इस डेट फोल्डर के अंदर मैंने डेट ओबीजे डॉट जीएस फाइल बना के रखा और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बना के रखा। ठीक है, अपना जो ये जेएस फाइल है इसको अपने को लिंक करना पड़ेगा एचटीएमएल के साथ। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, पहले अपने को एचटीएमएल कोड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये मेटा टैग्स निकाल देते हैं यहाँ से फिलहाल के लिए। और हमको अगर कोई भी जेएस फाइल को या जावास्क्रिप्ट फाइल को एचटीएमएल के साथ लिंक करना है तो हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पर लिखते हैं src। ठीक है, src में हम क्या करेंगे, जो भी जावास्क्रिप्ट हमको लिंक करना है उसका पाथ दे देंगे। यहाँ पे हम ऐसा डॉट लगाएंगे तो अपने को जावास्क्रिप्ट फाइल का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। तो डेट ओबीजे डॉट जी एस हम लोगों ने यहाँ पे लिंक कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो डेट ओबीजे डॉट जी एस फाइल है और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। ठीक है, आपस में बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे डेट ओबीजे डॉट जी एस, कहाँ गया डेट ओबीजे डॉट जी एस, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे भी इसको ही बंद करते हैं, और यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, एक डेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एकदम फ्रेश फ्रेश डेट ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, नहीं यहाँ पे लिखेंगे वेर, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग डेट या फिर करंट डेट। ठीक है, इसका नाम दे करंट डेट। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू न्यू कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डेट। ठीक है, और डेट का डी कैपिटल होना चाहिए। ये बन गया आपका डेट ऑब्जेक्ट। करंट डेट में आपका डेट ऑब्जेक्ट, जो भी डेट ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू रहेगी वो जाके इसके अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो न्यू डेट है ये आपको क्या देगा वो हम लोग उसको प्रिंट करके देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, जो भी एचटीएमएल फाइल पे आपको अगर प्रिंट करना है तो वो प्रिंट करके देते हैं। यहाँ पे मैं करंट डेट को इसके अंदर पास कर देता हूँ। जैसे ही करंट डेट को पास किया, यहाँ पे देखो कुछ प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? ट्यूसडे नवंबर 1, 2022, यहाँ पे 2:34:11। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको डेट एंड टाइम बताया जा रहा है, और कौन सा टाइम है, डेट डेट और टाइम है, ये आपको करंट डेट एंड टाइम बता रहा है। यानी कि ये आप अगर ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हो डेट का तो वो आपको करंट डेट और टाइम बताएगा। ठीक है, तो करंट आज का जो डेट है वो 1 नवंबर है। ठीक है, 2022 है, और अभी 2:34:38 हो चुके हैं। ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा, अब ये क्या चीज़ है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टाइम जोन, ये आपको बता रहा है टाइम जोन। मैं अभी इंडिया में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ये बता रहा है मुझे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से टाइम जोन बता रहा है। ठीक है, तो हर एक कंट्री का अपना क्या होता है, एक टाइम जोन होता है। वैसे इंडिया का टाइम जोन क्या है, IST से बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ गया। अब ये क्या चीज़ है, ये जो चीज है ये देखोगे तो लिखा है GMT। GMT भी एक टाइम जोन है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन विच मीन टाइम। तो ग्रीन विच नाम का एक जगह है कहाँ पे, यूके में। ठीक है, तो वहां का ये टाइम जोन है जिसे हम बोलते हैं GMT। ठीक है, ग्रीन विच मीन टाइम। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ना वो 5.5 घंटे आगे होता है किससे, GMT से, इसलिए यहाँ पे लिखा है GMT+5:30। ऑलराइट, ये समझ में आ गया आपको। तो अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से 5.5 घंटा आगे, इसलिए यहाँ पे GMT+5:30 है। और मोस्टली जो जितने भी वर्ल्ड के टाइम जोन है ना वो GMT से ही कैलकुलेट किया जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो आपका अर्थ है उस पर हम लोगों ने कुछ वर्चुअल लाइंस बना के रखा है, जिसे हम अक्षांश और देशांतर रेखा या इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। राइट, तो हर जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड होता है उसको हम लोग डिग्री में मापते हैं। राइट, तो जो 0 डिग्री लाइन, जो 0 डिग्री लाइन है वो कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच नाम का जो जगह है वहां से जो 0 डिग्री लाइन पास होती है, इसलिए
जो टाइम है मोस्टली लॉन्जिट्यूड के बेसिस पे नाम मापा जाता है। तो जीरो डिग्री लाइन जो है वो ग्रीनविच से पास होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम हम लोग लेते हैं कोई भी टाइम जोन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, अगर आपको नहीं समझना है तो आगे आप भगा के देख सकते हो वीडियो को। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका डेट ऑब्जेक्ट, और डेट ऑब्जेक्ट आपको करंट डेट देता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एक और टाइप का डेट ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, सब कुछ सेम है, यहाँ से यहाँ तक आपका सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया गया है मिलीसेकंड्स, यानी कि इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि अगर आप इस डेट ऑब्जेक्ट के अंदर, इस डेट के अंदर आप अगर एक पैरामीटर, इंटीजर पैरामीटर यानी नंबर पैरामीटर पास करते हो, सपोज यहाँ पे मैं पास करता हूँ 1000, ठीक है, तो ये इसको मिलीसेकंड मानेगा, और 1000 मिलीसेकंड में याद रखना कितने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड होता है। तो जैसे मैंने 1000 पास किया, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1970 क्यों दिखा रहा है भाई, अभी 2022 चल रहा है, तो ये कुछ ऐसा रॉन्ग नहीं हुआ है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट ने अपना इनिशियल जो डेट है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट ने कंसिडर कर दिया, जो डे स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी 1970 से स्टार्ट होता है। इसलिए आप कभी भी अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटीजर नंबर यानी कि नंबर कोई भी पास करोगे तो वो आपको एकदम इनिशियल डेट बताएगा, यानी जावास्क्रिप्ट में 1 जनवरी 1970 5:30, ये आपका एकदम इनिशियल डेट है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप अभी इनिशियली देखो जीरो है जब, तो यहाँ पे देखो सब कुछ सॉरी यहाँ पे क्या है 5:30 और यहाँ पे सेकेंड 00 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 सेकेंड ऐड करता हूँ, 1 सेकेंड ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे 1000 मिलीसेकंड पास करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने 1000 मिलीसेकंड पास किया, यहाँ पे बन गया 1, ऑलराइट, मतलब 1 सेकंड हो गया। अब इसमें जितना भी मैं जैसे यहाँ पे 2 करूँगा तो 2 सेकंड हो जाएगा, तो जैसे जितना मैं मिलीसेकंड बढ़ाते जाऊँगा उतना उस टाइम में ये और डेट में ऐड होते जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे मैं देखो ऐड कर दे, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, सपोज एक और जीरो, ऐसा बहुत सारे जीरो बढ़ाते, तो यहाँ पे देखो थोड़ा कम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया 2033 में चले गया, ठीक है। तो जितना आप मिलीसेकंड ऐड करोगे वो डेट और टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करके वो ऐड करते जाएगा यहाँ पे, तो एक पैरामीटर पास करोगे तो वो मिलीसेकंड रहेगा। उसके बाद डेट स्ट्रिंग, मतलब इसमें मैं आता हूँ, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो मैंने बोला एक इंटीजर यानी एक नंबर पैरामीटर पास करोगे तो वो मिलीसेकंड कैसे करेगा, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर देते हो, जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 9, तो वो कंसिडर करेगा इसको मंथ, ठीक है, और इसको ईयर। जैसे आप दो नंबर पास करोगे यहाँ पे, वो उसको पहले को कंसिडर करेगा ईयर, दूसरे को यहाँ पे कंसिडर करेगा वो क्या कंसिडर करेगा, मंथ कंसिडर करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम लोग मल्टीपल पैरामीटर पास करते हैं तो यहाँ पे पहला ईयर होता है और दूसरा मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें पास कर, बट यहाँ पे इनवैलिड डेट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भाई इतना बड़ा ईयर थोड़ी ना कहीं डिफाइंड है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2019 पास कर देते, यहाँ पे देखो क्या गया 2019 अक्टूबर यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे तो 9 पास किया है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे 9 पास किया, तो ना जो 9th मंथ होता है वो क्या होता है, सितंबर होता है, यहाँ पे अक्टूबर काहे को दिखा रहा है भाई। तो देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट में थोड़ी चीज़ें इधर उधर होती है तो क्लियर कर देता हूँ मैं। जो नंबरिंग होता है ना जावास्क्रिप्ट में, जो नंबरिंग होता है मंथ्स का नंबरिंग, वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो जनवरी स्टार्ट होता है 0, जनवरी का नंबर होगा 0, फरवरी का नंबर होगा 1, मार्च का नंबर होगा 2। तो याद रखना मंथ्स का नंबरिंग 0 से स्टार्ट होता है, डेज का नंबरिंग भी क्या होता है 0 से, यानी कि संडे आपका 0 देगा, मंडे आपको 1, ट्यूजडे आपका 2, यानी कि डेज का जो नंबरिंग होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। हम लोग जो डेज का नंबरिंग करते हैं, जैसे संडे है तो पहला दिन आता है, राइट, मंडे दूसरा दिन, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में संडे 0, संडे के लिए 0 रहेगा, मंडे के लिए 1 रहेगा। तो डेज याद रखना, डेज, फिर उसके बाद मंथ, के बाद रखना टाइम, जितना भी टाइम है आपका, आवर्स जो होता है 0 से लेके 23, या मतलब आवर्स भी 0 स्टार्ट होगा, मिनट्स भी 0 स्टार्ट होगा, सेकंड्स भी 0 स्टार्ट होगा, मिली सेकेंड भी क्या होगा 0 स्टार्ट होगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और यहाँ पे 23 इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो बाय डिफॉल्ट टाइम रहता है वो 24 घंटे के हिसाब से होता है, हमारे जो घड़ी में 12 घंटे के हिसाब से होता है, बट जावास्क्रिप्ट में 24 घंटे के हिसाब से होता है। तभी यहाँ पे देखोगे तो पहले तो यहाँ पे 00 है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास नहीं किया मैंने, टाइम पास मतलब टाइम की वैल्यू पास नहीं किया यहाँ पे, ऑलराइट। तो यहाँ पे 2019 9 पास किया, तो यानी कि 9 मतलब 9th पे क्या है, देखो अक्टूबर है, इसलिए यहाँ पे आपको आ रहा है अक्टूबर, ऑलराइट। और यहाँ पे 2019
उसके बाद आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पर, मतलब यहाँ पे देखो ईयर हो गया, ईयर के बाद मंथ हो गया, मंथ के बाद क्या था डेट है। यहाँ पे सपोज मैं डेट पास कर पास करता हूँ 20, तो यहाँ पे 20 अक्टूबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप पास कर सकते हो सॉरी आवर्स पास कर सकते हो राइट। तो कितना सपोज मैं यहाँ पे पास करता हूँ 6:40:10, ठीक है। तो ये हो गया आपका देखो आवर्स, यहाँ पे मिली सेकेंड भी पास कर सकते हो ऐसा, तो बस 500 मिली सेकेंड पास करता हूँ, मतलब आधा आधा सेकेंड। ओके तो मिली सेकेंड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है, बट वो अगर यहाँ पे सपोज आप 2000 मिली सेकेंड पास करोगे तो कैलकुलेट हो गया यहाँ पे 10 का 12 कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो कैलकुलेट हो जाता है, देखो 10 का यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड पास कर तो 10 का 12 हो गया। तो ये हो गया आपका ये वाला सिंटैक्स था, ईयर मंथ डे आवर्स मिनट सेकेंड मिली सेकेंड। अब आते हैं इसके ऊपर डेट स्ट्रिंग। डेट स्ट्रिंग क्या है, तो यहाँ पे देखो डेट स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे रहने देता हूँ। डेट स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले देता हूँ इसको डेट स्ट्रिंग, करंट डेट स्ट्रिंग। डेट स्ट्रिंग में यहाँ पे देखो ये क्या है, थोड़ा लेंदी वे, मतलब एक एक पास करना है। डेट स्ट्रिंग में आप क्या करोगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हो डायरेक्टली, यानी कि आप यहाँ पे पास करोगे सपोज 20 तारीख पहला महीना 2022, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, बट यहाँ पे इनवैलिड बता रहे हैं। इनवैलिड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है ना उसमें पहली वैल्यू जो होती है वो मंथ मानी जाती है। जो ऐसा डे स्ट्रिंग पास करोगे तो पहली वैल्यू यहाँ पे मंथ मानी जाएगी, तो 20th मंथ कोई होता है क्या, नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। ये जो 20 तारीख है ना, इसको मैं पहला महीना 20 तारीख यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये पहला महीना 20 तारीख 2022 ऐसा होगा राइट। यहाँ पे हो गया देखो January 20, 2022 राइट। ऐसे ही यहाँ पे टाइम भी, यहाँ पे देखो टाइम के लिए तो 00 है, यहाँ पे आप टाइम पास कर सकते हो, टाइम पास मतलब टाइम की वैल्यू पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 9:10:12 सपोज यहाँ पे 9:10:12 ऐसा डायरेक्टली आ गया राइट। तो आई होप आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो डेट ऑब्जेक्ट हम लोग ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये जो डेट ऑब्जेक्ट बनाया है इसके मेथड्स देखेंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है और कुछ मेथड्स होता है। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डेट के सारे मेथड्स देखने वाले, प्रॉपर्टीज नहीं होता है डेट में, सारे मेथड्स होते हैं, तो सारे मेथड देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।